जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मालदीव और भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तीखी बहस चल रही है। मालदीव के बहिष्कार की मांग हो रही है। ट्विटर पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और लोगों से लक्षद्वीप घूमने के लिए आग्रह किया था। लोगों ने इसे मालदीव से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की वायरल फोटो पर मालदीव की एक महिला मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया। पीएम मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीर पर कमेंट करते हुए मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिउना ने अपमानजनक टिप्पणी कर डाली और गलत शब्दों का प्रयोग किया। वहीं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सदस्य जाहिद रमीज ने भी भारत का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा, ये कदम बहुत अच्छा है, हालांकि हमसे कॉम्पिटिशन करने का वो हमारी जितनी व्यवस्था कैसे दे पाएंगे, वो इतनी साफ सफाई कैसे रखेंगे, कमरों की बदबू की वजह से कोई नहीं जाएगा। मरियम ने ऐसे कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की अपील का मजाक बनाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मालदीव के बहिष्कार की अपील कर दी। पीएम मोदी की आलोचना करने पर मालदीव के मंत्रियों का अपने ही देश में विरोध हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शिउना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा भयानक थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मालदीव सरकार की अधिकारी मरियम शिउना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के प्रति कितनी भयावह भाषा बोली है, जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उनके बयान सरकार की नीतियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मालदीव की मंत्री मरियम शिउना ने एक्स पर किए पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट किया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।